नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वारियर P-8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉग्नाइज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को लेकर, यानी कि P-8I विमान को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को 4 P-8I विमानों में से एक P-8I विमान मिल जाएगा। आपको बता दें कि ये विमान अत्याधुनिक उपकरणों और क्षमताओं के साथ निगरानी के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरक्राफ्ट है। ये विमान वर्तमान में व्यापक निगरानी करने के लिए भारतीय नौसेना को एक लचीलापन प्रदान कर रहे हैं। विदेशी सेना बिक्री के माध्यम से ये विमान भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं और इन चार विमानों की डिलीवरी 2022 तक पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि जो P-8I विमान आ रहा है उसे गोवा में रखा जाएगा। इसके अलावा 2022 तक जो बाकी के तीन P-8I विमान आएंगे वो पोर्ट ब्लेयर में ही रखे जाएंगे। आपको बता दें कि ये सौदा $2.2 बिलियन का है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के अरकोनम में 312 नौसेना एयर स्क्वाड्रन में 8 P-8I विमान रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वॉरियर DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर। भारतीय सेना के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के उपयोग के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO द्वारा एक पूर्ण स्वदेशी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FICV विकसित किया जा रहा है। इसका नाम Mark 1 रखा गया है जिससे भारत की पैदल सेना को आधुनिक बनने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना अभी वर्तमान में रूस के BMP-2 पर निर्भर है जो कि 30 mm बंदूक के साथ पैदल सेना के लिए एक वाहक का कार्य करता है। सूत्रों के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO के संयुक्त सहयोग से 3 से 5 सालों की अवधि में Mark 1 का संस्करण सामने आएगा। Mark 1 की जो उन्नत सुविधाएं थी जो ड्रॉइंग बोर्ड के चरण में थी अब FICV में शामिल हो जाएंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष हरि मोहन ने इस बारे में कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो पहले परियोजना पर अलग से काम कर रहे थे अब वे अपनी इस परियोजना को विकसित कर भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 से 5 वर्षों में भारतीय सेना का ये वाहन तैयार हो जाएगा जबकि इसकी अगली कड़ी Mark 2 होगी। इसके विकास में लगभग 1 दशक का समय लग सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल भी काफी आगे तक जाएगी। आपको बता दें कि बढ़ी हुई मारक क्षमता के साथ ये वाहन 1500 मीटर के रेंज के साथ एक ऑटो ग्रेनेड लॉन्चर के साथ होगा। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधिकारी ने एक रिपोर्ट में इस बारे में खुलासा किया। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की क्षमता होगी जो कि ऑटोमेटिक कमांड के साथ 4000 मीटर की रेंज के भीतर मिसाइल को फायर कर सकती है। एक बंदूक नियंत्रण प्रणाली, एक थर्मल इमेजर फायर कंट्रोल से जुड़ा हुआ होगा और इसमें एक और बड़ी टिकट सुविधा भी होगी जो FICV को अत्यधिक उन्नत बनाएगी। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है DAC को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि करीबन 1300 करोड़ के विदेशी रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के लिए एक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रस्तावित भारतीय वायुसेना के लिए हॉक M-32 विमान के लिए एरियल फ्यूज और ट्विन डोम सिमुलेटर की खरीद इसी माध्यम से की गई थी। इसके अलावा DAC ने वायुसेना के लिए उन्नत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस लड़ाकू विमान की 83 यूनिटों का अधिग्रहण करने के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। DAC ने अनुबंध और अन्य मुद्दों को अंतिम रूप देकर HAL से विमान के अधिक उन्नत MK-1 संस्करण की 83 खरीद का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS के सामने रखा जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि ये खरीद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी क्योंकि HAL के अलावा कई स्थानीय विक्रेताओं की भागीदारी के साथ विमान को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। हालांकि मंत्रालय द्वारा तेजस अनुबंध की लागत का खुलासा नहीं किया गया था लेकिन इस सौदे का मूल रूप $5.46 बिलियन हो सकता है। भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस SP-21 का उन्नत संस्करण है जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम जैसी विशेषताएं हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है हार्ले डेविडसन को लेकर। आपको बता दें कि CSD कैंटीन के माध्यम से बेचे जाने वाली हार्ले स्ट्रीट रॉड लगभग 90,000 तक सस्ती भारतीय सैनिकों को मिल पाएगी। आपको बता दें कि स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट रॉड दोनों समान रूप से 739 CC वी ट्विन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ले डेविडसन इंडिया ने घोषणा की है कि बाइक निर्माता BS6 कंप्लेंट स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट रॉड बाइक को भारतीय सशस्त्र बलों को रिटेल करेगा। देश भर के सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कैंटीन स्टोर विभाग यानी कि CSD के माध्यम से ये बाइकें बेची जाएंगी। हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 के साथ ये 4,60,000 की कीमत के साथ शुरू होगी जो कि बहुत कम है। आपको बता दें कि इसकी रिटेल जो कीमत है वो है 5.65 लाख और सिविलियंस के लिए BS6 स्ट्रीट 750 की कीमत है 5,34,000 और स्ट्रीट रॉड की कीमत है 6,55,000। हार्ले डेविडसन इंडिया के अनुसार उनकी कंपनी दुनिया भर के सशस्त्र बलों के साथ काफी लंबे समय से काम कर रही है।
रही है। दोनों ही स्ट्रीट मोटरसाइकिलों को इन्वेंट्री में शामिल किया जा रहा है। भारत में सीएसडी में हम सशस्त्र बलों के सदस्यों को अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब भी आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।